चलिए आपको एक सफ़र पर ले चलते हैं यह सफ़र भी कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है यह ज़िंदगी का सफ़र है कि हम चलते हैं किस लिए कहाँ के लिए और हम पहुँचते हैं कहाँ और पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगता लेकिन हम सफ़र करते हैं या यूं कहें यात्रा करना ही ज़िंदगी है और इस यात्रा का ही नाम जिंदगी हम अलग अलग तरीके से रखते हैं और ज़िंदगी की तलाश करते रहते हैं तो इसी संदर्भ में आइए कुछ कहते हैं सुनते हैं परछाई का पीछा करता रहा हूँ न जाने किसकी आरजू में भटकता रहा हूँ ये आईने में कौन है ये आईने में कौन है जो मुझसे हर वक्त कुछ कहता रहता है मैं बहुत पहले गांव में वो अपनी छोटी सी मीठी नदी छोड़ आया जहां आम के बाग थे और इमली का पेड़ था यकीन वानी है उसकी पत्तियां भी खट्टी होती हैं वक्त की किसे परवाह थी वक्त वह तो हम सब की मुट्ठी में था अभी आंख खुली तो देखा मैं किसी घने जंगल में एकदम अकेला हूँ जहां जहाँ सब कंक्रीट और लोहे का है न कोई कुछ सुनता है न कहता है और वो बूढ़ा दरख्त आस पास नजर नहीं आता जिसकी छाँव में वक्त भी ठहर जाया करता था खैर मैंने आँख बंद की उसी दुनिया में लौट जाने की नाकाम कोशिश करता रहा कम वक्त ये नींद न जाने अब कब आए वैसे मैंने जो चाहा था तूने वही तो दिया जिसकी शर्त यही थी इस सफर में वापसी नहीं होगी वक्त का पहिया चलता रहा अब मेरे चारों तरफ अथाह पानी है पर उसका एक कतरा भी मैं पी नहीं सकता तूने तो पूरा समुंदर दे दिया बस जीने का हक मुझसे मेरा छीन लिया मैं इसी उदासी में डूबा खामोशी से अपनी गलतियों के लिए भी तुझे कोसता हुआ समुंदर की अनंत सीमाओं को देख रहा था इसका क्या कोई किनारा होगा अगर होगा तो उस पार क्या होगा वो मीठी नदी हरे भरे बाग और गीत गाते पंछियों का अहर निषराग क्या अब भी गूंज रहा होगा ऐसे ही कल्पना में खोया हुआ मैं अपने रचे समुद्र में बहे जा रहा था खारे पानी की अनुभूति मुझसे सारी मिठास खींचती जा रही थी मैं अनमनासा अपनी कश्ती में दुब का सिमटता जा रहा था धीरे धीरे इसे ही पूरी दुनिया समझने लगा तभी एक गुनगुनाहट सुनी यह आहट थी मेरे गांव के पगडंडी की उन शरारती बच्चों की जो उन शरारती बच्चों की उन शरारती बच्चों की जब हम मुट्ठी में वक्त बांध लेते थे और उसके साथ किसी पेड़ की घनी छाव में छिप जाते थे मैं इसी उधेड़ बुन में एक ही पल में बचपन के सफर पर निकल गया और तभी चौक कर देखा एक छोटा सा बच्चा बगैर किसी नाव के खिलखिलाता हुआ मुट्ठी बांधे चला जा रहा था मैं चौका यह क्या मैं सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ मैं किस बात पर यकीन करूँ मैं इस वक्त कहाँ हूँ मैं तो एक लंबी यात्रा पर निकला था पर यह क्या मैं तो अब भी उसी गांव में हूँ वही मिट्टी है और मैं हूं।